Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And we discuss these editorials from Monday to Friday at 10 a.m. तो आगे बढ़ने से पहले आप बैंकिंग वीडियो कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं. तो आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर सेक्शन आप अलग अलग परचेज कर सकते हैं. और ये कोर्सेज प्रीलिम्स से मेंस तक सब पूरा सिलेबस कवर करते हैं बैंक एग्जाम्स का, एंड ईजी टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन विद अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दैट हैव कम इन द प्रीवियस एग्जाम्स. तो हमने जो भी पहले एग्जाम्स में आए वो डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं. और आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं PM10, और 10% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं. सो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है स्टाइफलिंग डिसेंट. स्टाइफल करना होता है किसी चीज़ को, वैसे तो उसका मतलब होता है चोक करना, ठीक है, किसी चीज़ को बंद करना. तो यहाँ पर क्या मीनिंग है, डिसेंट होता है किसी चीज़ से डिसएग्रीमेंट शो करना कि आप सहमत नहीं है किसी चीज़ से, और उसको स्टाइफल करना यानी कि उस चीज़ को रोकना, उस चीज़ को सप्रेस करना, ठीक है. तो यानी यहाँ पर जो कोई अगर व्यक्ति आपके ओपिनियन से नहीं एग्री करता तो उसके डिसएग्रीमेंट को दबा देना, ठीक है. तो ये इसका टाइटल है स्टाइफलिंग डिसेंट. और ये किसके बारे में है, ये है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में, जो भी रिसेंटली अरेस्ट हुए थे. तो आपको क्विकली एडिटोरियल रीड करना है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिक्शनरी, और फिर हम इसे डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, चलो. सो फॉर द सेकेंड टाइम इन 3 months पाकिस्तान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ बीन अरेस्टेड. तो पिछले 3 महीनों में दूसरी बार वो अरेस्ट हुए हैं. हिज दिस टाइम आफ्टर अ कन्विक्शन इन अ केस इन्वॉल्विंग द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ऑफिशियल गिफ्ट्स. और इस बार केस किसके बारे में है, केस इन्वॉल्विंग मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ऑफिशियल गिफ्ट. जब भी किसी कंट्री के लीडर विजिट्स पर जाते हैं तो उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन उन्हें वो पर्सनल कैपेसिटी में गिफ्ट नहीं मिलते, उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं एज द हेड ऑफ दैट स्टेट. तो अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर किसी दूसरी कंट्री पे विजिट पर जाते हैं, उन्हें जो गिफ्ट मिलता है तो वो गवर्नमेंट उस कंट्री की प्रॉपर्टी है, ना कि प्राइम मिनिस्टर की. तो यहाँ पर उनके केस अगेंस्ट ये है कि उन्होंने वो जो गिफ्ट्स उन्हें मिले उनका गलत यूज़ किया. और करप्ट मिसअप्रोप्रिएशन होता है कि अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको बेबी अपने पास इलीगली रख लिया या फिर उन्हें बेच दिया, तो उसको उसके ऊपर केस है उनके ऊपर. और यहाँ पर एक और वर्ड है, हमें कन्विक्शन क्या होता है, जब कोई केस चल रहा होता है तो उसको हम कहते हैं ट्रायल, ओके. और कन्विक्शन होता है जब सज़ा सुना दी जाती है. तो उनको कन्विक्ट कर दिया गया इस केस में. और जो गिफ्ट्स थे वो तोशखाना, यानी कि जो उनके जो गवर्नमेंट के पास होने चाहिए थे वो गिफ्ट्स, लेकिन वो उन्होंने उनके ऊपर वो कन्विक्ट हुए इस केस में कि उन्होंने जो है करप्शन किया उन गिफ्ट्स को लेकर. ही वॉज लास्ट अरेस्टेड ऑन May 9 इन द अल कादिर ट्रस्ट केस चार्ज शीट. और लास्ट टाइम वो अरेस्ट हुए थे May 9 में. तो पिछले 3 महीने में 2 बार अरेस्ट हुए हैं, वो ये केस था, ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. द लेटेस्ट कन्विक्शन विच कैरीज अ सेंटेंस ऑफ 3 years मीन्स दैट ही इज़ नाउ डिसक्वालिफाइड फ्रॉम पार्लियामेंट फॉर द नेक्स्ट 5 years. और अब जो जिस केस में वो अरेस्ट हुए हैं उसके बाद वो 3 साल नेक्स्ट 5 साल के लिए वो डिसक्वालीफाई हो गए हैं इलेक्शंस लड़ने से. 3 साल की सज़ा हुई और उसके बाद सेंटेंस का मतलब क्या होता है, यानी जो सज़ा मिलती है, कोर्ट सेंटेंस जब सुनाते हैं दैट मीन्स वो सज़ा सुना रहे हैं. तो उन्हें 3 साल की सज़ा हुई एंड वो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट इलेक्शंस में अब देखो ये लिखा ही विल एंड विल नॉट बी एबल टू स्टैंड फॉर इलेक्शन इन पोल्स ड्यू बाय नवंबर. तो जो इस साल नवंबर में इलेक्शंस होने हैं उसमें वो जो है वो लड़ नहीं सकते इलेक्शंस को. लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैड अनाउंस दैट ही वुड डिसॉल्व पार्लियामेंट ऑन August 9. तो उन्होंने ये लास्ट वीक अनाउंस किया था कि वो August 9 को पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देंगे. डिसॉल्व किसी असेंबली को या किसी मीटिंग को डिसॉल्व करने का मतलब होता है उसे एंड कर देना,
ऐसे ही पार्लियामेंट भी क्या है कि असेंबली ऑफ जो डिफरेंट जो पॉलिटिशियंस लीडर्स जो इलेक्ट होकर आते हैं, तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना यानी कि उसको एंड कर देना, फिर दोबारा नए इलेक्शंस होंगे। तो वहाँ पर वो उन्होंने कहा था लास्ट वीक कि वो इस डेट तक पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देंगे, आफ्टर विच एन इंटरिम गवर्नमेंट विल स्टेप इन। इंटरिम होता है जो टेम्प्ररी होता है, ठीक है। तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जैसे उसका कार्यकाल ख़त्म हो गया, उसका फिर उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट आने के बीच में जो टाइम है, उस टाइम पे कौन रूल करेगा, तो एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक टेम्प्ररी गवर्नमेंट जो है वो रूल करेगी वहाँ पर। अच्छा, इंटरिम के लिए हम और वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम टेम्प्ररी कह सकते हैं, ठीक है। टेंटेटिव भी कहा जा सकता है कि जो जो चीज़ अभी के लिए है पर हो सकता है फ्यूचर में ना हो, ओके। पर गवर्नमेंट के लिए हम टेंटेटिव यूज़ नहीं करते, हम इंटरिम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो उसके लिए हम इंटरिम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और टेंटेटिव भी यूज़ किया जा सकता है। तो इंटरिम गवर्नमेंट विल स्टेप इन, स्टेप इन यानी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना या इन्वॉल्व हो जाना। तो जब गवर्नमेंट, जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगा तो एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट उसकी जगह लेगी, विल स्टेप इन। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट मिस्टर खान्स अरेस्ट केम डेज बिफोर द ट्रांजिशन। और ये चीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांजिशन होने वाला है, ट्रांजिशन क्या होता है, चेंज, कि जो इलेक्टेड जो पार्लियामेंट था वो डिसॉल्व हो जाएगा और फिर एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट जो है वो उसकी जगह लेगी। तो इस चेंज से कुछ दिन पहले ही जो प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको अरेस्ट कर दिया। तो ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। द लीगल बैटल मिस्टर खान फेसिस नाउ इज़ फॉर्मेडेबल। और जो अब जो उन्हें लीगल जो लड़ाई लड़नी है, कानूनी लड़ाई, वो बहुत फॉर्मेडेबल है। कोई किसी चीज़ को जब आप कहते हो कि ये फॉर्मेडेबल है, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर वो एक बहुत मुश्किल एक लीगल बैटल उन्हें फाइट करना है आगे। बट ही इज़ बाई नो मीन्स द फर्स्ट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टू फेस जेल टाइम एंड डिसक्वालिफिकेशन। बाई नो मीन्स का मतलब यानी कि बिल्कुल भी नहीं, कि ऐसा नहीं है कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो जेल जा रहे हैं, ठीक है। तो फेस जेल टाइम एंड डिसक्वालिफिकेशन, तो ये पहले भी हो चुका है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को जेल भेज दिया गया और फिर डिसक्वालीफाई कर दिया गया इलेक्शन लड़ने से। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, किसके टेन्योर की बात हो रही है यहाँ पर, जो मिस्टर खान है उनके टेन्योर की बात हो रही है। टेन्योर होता है किसी कितने पीरियड के लिए कोई ऑफिस में है, ठीक है। अगर किसी पर्सन को अपॉइंट किया गया है कि ये डायरेक्टर है एक साल के लिए, तो उनका वो वन ईयर टेन्योर होगा। ऐसे ही एक गवर्नमेंट 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट हुई है, तो 5 ईयर्स उस गवर्नमेंट का टेन्योर। तो जो जब मिस्टर खान पावर में थे तब की बात हो रही है। हिज गवर्नमेंट हैड परस्यूड केसेस अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स नवाज शरीफ एंड शाहिद खान। तो ये पैटर्न रिपीट होता है, जब मिस्टर खान पावर में थे तो उन्होंने पहले जो उनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ और उसके अलावा बाकी लीडर्स, उनके अगेंस्ट केसेस जो है वो फाइल किए थे, उन्हें अरेस्ट किया था, एंड अदर मेजर अपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। द कॉमन फैक्टर इज दैट ऑल दीज अरेस्ट अपीयर ऑर्केस्ट्रेटेड नॉट सो मच बाय पॉलिटिकल राइवलरी बट ड्यू टू प्रॉब्लम्स विद द पावरफुल मिलिट्री। अब यहाँ पर ये देखना है कि इनमें कॉमन क्या है, कि पहले भी यही चीज़ें रिपीट हुई हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को जेल भेज दिया गया और फिर डिसक्वालीफाई कर दिया गया, वही पैटर्न अब रिपीट हो रहा है। तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है कि ये दीज अरेस्ट अपीयर ऑर्केस्ट्रेटेड यानी कि प्लान किए हुए, ऑर्केस्ट्रेट करना, किसी चीज़ को प्लान करना अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, ताकि मतलब आप ऐसे प्लान करते हो किसी एक्टिविटी को कि जो आप रिज़ल्ट चाहते हो वो आपको मिल जाए। तो ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें किसने ऑर्केस्ट्रेट की हैं, ये ना सिर्फ नॉट सो मच बाय राइवलरी, ना सिर्फ राइवलरी की वजह से, कंपटीशन की वजह से, बल्कि बट ड्यू टू प्रॉब्लम्स विद पावरफुल मिलिट्री। उसके अलावा कि जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पावरफुल पावर किसके पास है, मिलिट्री के पास, और अगर कोई पॉलिटिकल लीडर मिलिट्री के साथ एग्री नहीं करता तो फिर उसके साथ यही पैटर्न फॉलो होता है कि वो उस लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है किसी न किसी केस में और फिर डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है इलेक्शंस लड़ने से। तो यही कहा गया है कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड, ये किसने ऑर्केस्ट्रेट किया, किसने प्लान किया है, ना सिर्फ पॉलिटिकल जो
लीडर से पावर में उन्होंने, बल्कि मिलिट्री लीडरशिप ने भी ये प्लान किया है इस तरीके से. इन मिस्टर खान्स केस ही फेस्ड मंथ्स ऑफ हाउस अरेस्ट. हाउस अरेस्ट होता है जब किसी को घर में ही अरेस्ट कर दिया जाता है, यानी कि घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता. तो महीनों से हाउस अरेस्ट में थे अंडर फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ. तो जब वो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट मुशर्रफ जब पावर में थे तो मिस्टर खान तब भी हाउस अरेस्ट में थे, बट सब्सिक्वेंटली केम टू गुड टर्म्स विद द मिलिट्री. लेकिन बाद में मिस्टर खान के रिलेशंस मिलिट्री से अच्छे हुए. तो कम टू गुड टर्म्स होते हैं फ्रेंडली रिलेशंस. तो उनके सब्सिक्वेंटली यानी कि बाद में, तो जब उनके रिलेशंस बेहतर हुए मिलिट्री के साथ, तो फिर इस स्टनिंग इलेक्टोरल विन इन 2018 वाज बिलीव टू हैव बीन अचीव्ड विद जनरल कमर बाजवा'स ब्लेसिंग्स. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहले वो हाउस अरेस्ट में थे, लेकिन जब मिलिट्री के साथ रिलेशंस अच्छे हुए तो वो उन्होंने उनके एक स्पेक्टेकुलर, बहुत ही स्टनिंग, कहीं कि एक शानदार विन, जीत हुई उनकी 2018 इलेक्शंस में. और उसमें भी कहा जा रहा है कि वो किसकी वजह से हुई थी, आर्मी के सपोर्ट की वजह से. तो आर्मी का सपोर्ट जिस पॉलिटिकल लीडर के पास होता है वो पावर में आ जाता है, और जिस पॉलिटिकल लीडर के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं होते मिलिट्री के साथ, उन्हें अरेस्ट करके डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. हाउएवर आफ्टर दे डेवलप डिफरेंसेस, लेकिन ठीक है, कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट कि इलेक्शंस तो जीते मिलिट्री की हेल्प से 2018 में मिस्टर खान, लेकिन उसके बाद मिलिट्री और मिस्टर खान के बीच में डिफरेंसेस बढ़ने लगे एंड मिस्टर खान्स पॉलिटिकल ट्रबल्स बिगेन टू माउंट. माउंट का मतलब होता है बढ़ना. तो उनकी जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी, ट्रबल्स थी, वो बढ़ने लग गई जैसे ही मिलिट्री के साथ रिलेशंस उनके ख़राब होने लगे. द गवर्नमेंट्स एक्शंस आर एक्सेसिव बाय एनी मेजर. जब हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं बाय एनी मेजर, मतलब आप कैसे भी किसी चीज़ को इवेल्यूएट कर लो, कैसे भी देख लो, वो एक्सेसिव ही है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई एक्शन लिया गया है. तो गवर्नमेंट का जो एक्शन लिया गया है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, ज़रूरत से ज़्यादा है. द केस मिस्टर खान हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर इज जस्ट वन अमिडस्ट अबाउट 100 केसेस. तो अभी तो एक ही केस में सज़ा हुई है, उसके अलावा वो और 100 केसेस में इन्वॉल्व है. ही हैज़ बीन चार्ज्ड इन एवर सिंस ही वॉज आउस्टेड फ्रॉम ऑफिस. जब से उन्हें ऑफिस से रिमूव किया गया, आउस्ट करना यानी कि ऑफिस से फोर्सफुली रिमूव करना किसी को, तो जब से उन्हें ऑफिस से हटाया गया है, प्राइम मिनिस्टर के पोजिशन से हटाया गया है, तब से उनके ऊपर 100 से ज़्यादा केसेस जो है वो चल रहे हैं, और उनमें से एक में ही सज़ा हुई है अभी. तो ये इसको कहा गया है कि जो गवर्नमेंट के एक्शन है वो एक्सेसिव, यानी कि इतने ज़्यादा केसेस फाइल कर दिए गए हैं. कैसे भी अगर हम इसको देखें बाय एनी मेजर, कैसे भी हम इसको जज करें या असेस करें, जो एक्शंस लिए गए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं. ओके, और अपार्ट फ्रॉम द लिटनी ऑफ लीगल केसेस अगेंस्ट हिम एंड हिज फैमिली, देयर हैज़ बीन अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू प्रोसिक्यूट लीडर्स ऑफ हिज पार्टी द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. तो यहाँ पर है कि लिटनी ऑफ, जैसे लिटनी ऑफ अपील्स, लिटनी ऑफ लीगल केसेस. तो लिटनी यानी बहुत लॉन्ग लिस्ट. तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नंबर में होती है, ठीक है, रिपीट होती जाती है सेम चीज़. तो अगर किसी के अगेंस्ट लीगल केसेस फाइल किए जा रहे हैं, बहुत सारे केसेस फाइल कर दिए गए, हंड्रेड्स ऑफ केसेस, तो कहेंगे लिटनी ऑफ केसेस. ठीक है, ऐसे ही अपील्स की, बहुत ज़्यादा लोग किसी चीज़ को लेके अपील कर रहे हैं, तो अपील्स फाइल की जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा जब अपील्स आ रही हैं तो कहा जाएगा लिटनी ऑफ अपील्स. तो यहाँ पर जो ये लार्ज नंबर ऑफ लीगल केसेस फाइल किए गए हैं उनके और उनके फैमिली के अगेंस्ट, हैज़ बीन अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट, यानी कि ये कोशिश की जा रही है ताकि कि उनके पार्टी के लीडर्स को प्रोसिक्यूट, यानी कि उनके खिलाफ केसेस चलाए जाएं. इन एडिशन केसेस ऑफ टेररिज्म सेडिशन, तो उसके अलावा और भी केसेस चल रहे हैं, जैसे टेररिज्म सेडिशन क्या होता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप अगर लोगों को विद्रोह करने के लिए उकसाते हो, ठीक है, राजद्रोह भी हम कहते हैं, तो सेडिशन, तो वो केस चल रहा है. उसके ये काफ़ी वर्ड आता है न्यूज़पेपर्स में, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, उसके अलावा ब्लास्फेमी होता है किसी रिलीजन को, या फिर गॉड को जो है उनके अगेंस्ट कुछ कहना या इंसल्ट करना, तो वो ब्लास्फेमी होता है. और पाकिस्तान में काफ़ी स्ट्रिक्ट ब्लास्फेमी लॉज हैं, तो
वो केसेस भी चल रहे हैं। ब्लास्फेमी को हम और क्या कह सकते हैं, हम सैक्रिलेज, सैक्रिलेज या फिर प्रोफेनिटी, ठीक है, प्रोफेनिटी भी कह सकते हैं। तो सैक्रिलेज और प्रोफेनिटी, ये वर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए कि ये ब्लास्फेमी से ही सिमिलर है, यानी कि किसी के रिलीजन को या फिर गॉड को इंसल्ट करना। तो ये सब हिज अगेंस्ट मिस्टर खान एंड हिज कलीग्स इंडिकेट देयर कुड बी मोर सीरियस सेंटेंसेस टू फॉलो, कि अभी तो 3 ईयर्स के जो है सेंटेंस हुआ है, लेकिन सेडिशन और ब्लास्फेमी सीरियस केसेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सेंटेंस हो सकता है, तो ज़्यादा सीरियस सेंटेंसेस, ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती हैं। एट द सेम टाइम हिज आउस्टर फ्रॉम पावर एंड द केसेस हैव नॉट विजिबली चैलेंज हिज पॉपुलैरिटी इन पाकिस्तान, लेकिन उनको जब पावर से हटाया गया, प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन से हटाया गया और उनके खिलाफ केसेस फाइल किए गए, तो उससे भी उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम नहीं हुई है पाकिस्तान में, वो अभी भी पॉपुलर है गोइंग बाय द बाय इलेक्शन रिजल्ट्स लास्ट अक्टूबर। तो बाय इलेक्शन उपचुनाव जो हुए थे उसमें उनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। एंड द एंकर आफ्टर हिज अरेस्ट इन मे, और जब मे हमने अभी बात की थी, मे में भी वो अरेस्ट हुए थे, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुई थी, जो सपोर्टर्स हैं इनके उन्होंने काफ़ी जो है प्रोटेस्ट किए थे, वायलेंट प्रोटेस्ट भी किए थे। तो इससे ये कहा जा रहा है कि वो अभी भी पॉपुलर हैं लोगों में। इन दैट सेंस द फैक्ट दैट इज कन्विक्शन एंड अरेस्ट इन द सेंटेंस के इन द लेटेस्ट केस वर नॉट अकंपनीड बाय सिमिलर प्रोटेस्ट इज नॉट एन अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान गवर्नमेंट बट डिमॉन्स्ट्रेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन साइलेंसिंग पब्लिक एक्सप्रेशन। तो अब अगर हम देखें कि मई में जो प्रोटेस्ट हुए थे, काफ़ी वायलेंस हुआ था, और अब जब अरेस्ट हुआ है अगस्त में और अब इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं हुए, तो ये क्या शो करता है कि वर नॉट एकम्पनीड बाय सिमिलर प्रोटेस्ट, कि अभी जो अरेस्ट हुआ उसमें ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हुए, तो ये इट इज़ नॉट एन अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान गवर्नमेंट, ये पाकिस्तान के गवर्नमेंट की उपलब्धि नहीं है, अचीवमेंट नहीं है कि अभी प्रोटेस्ट नहीं हुए। ये शो करता है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, वो कितनी पावरफुल है, वो कितनी इफ़ेक्टिव है जो है लोगों के जो एक्सप्रेशन है, लोगों के जो विचार हैं, वो उनको रोकने में, उनको साइलेंस करने में कितनी इफ़ेक्टिव है पाकिस्तान की मिलिट्री, ये शो करता है। नन ऑफ दिस ऑगर्स वेल फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेसी। ऑगर का मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, यानी कोई चीज़ इंडिकेट करना फ्यूचर में, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है, ठीक है। व्हेन समथिंग ऑगर्स वेल, यानी कि वेल क्या होता है, अच्छा, तो यानी फ्यूचर में कोई चीज़ अच्छे होने के चांसेस हैं, ठीक है, सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। और नन ऑफ दिस ऑगर्स वेल, तो नन ऑफ दिस ऑगर्स वेल मतलब कि इनमें से कुछ भी, जो ये इतनी सारी इवेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, अच्छे जो है जो अच्छे साइंस नहीं दे रहे हैं, यानी कि आगे जो है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा टाइम नहीं है। तो एक नेगेटिव जो है नेगेटिव चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं पाकिस्तान के डेमोक्रेसी के लिए आने वाले टाइम में। इसकी जगह हम नन ऑफ दिस बोर्ड्स वेल भी लिख सकते हैं, ठीक है, बोर्ड्स वेल, तो वो भी सिमिलर मीनिंग ही कन्वे करेगा। ओके, यहाँ हमने देखा कि कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड, जैसे मिस अप्रोप्रिएशन, जैसे आप इसकी जगह आप एम्बेजलमेंट भी लिख सकते हैं, यानी कि जहाँ पर ये भी, जहाँ मनी को लेकर जो है कोई फ्रॉड किया जाता है, ठीक है, तो जो करप्शन होता है, तो मिस अप्रोप्रिएशन होता है, एम्बेजलमेंट होता है, तो ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो आपको ये दोनों पता होने चाहिए। उसके अलावा फिर हमने देखा यहाँ पर फॉर्मिडेबल स्टेप इन, तो ये वर्ड्स ठीक है। तो मेन है आपको एक तो वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी पे फोकस करना है, और दूसरा पैसेज के फ्लो पे ध्यान रखना है, सिर्फ लाइन बाय लाइन नहीं जाना, आपको ये भी समझते जाना है साथ साथ कि क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे की जा रही है फर्स्ट पैराग्राफ में, या इतने जो फर्स्ट सेक्शन है उस पैसेज का उसमें, और फिर नेक्स्ट पैसेज में क्या कन्वे किया जा रहा है। तो हमने देखा था कि यहाँ शुरुआत में अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बताएं कि वो अरेस्ट हुए, फिर उसके बाद एक पैटर्न के बारे में बताया गया कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं पहली बार हुआ है,
पहले भी पाकिस्तान के जो लीडर्स रहे हैं उनके अगेंस्ट केसेस फाइल होते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। फिर उसके एग्जांपल दिए गए कि इमरान खान ने भी ऐसा ही किया था उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ, और इमरान खान के साथ भी ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर फिर हमने देखा कि वहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ के जो मिलिट्री है, ठीक है, जो मिलिट्री है वो कंट्रोल करती है। तो जो जिसका मिलिट्री के साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं वो पावर में आ जाता है, और जिसके नहीं होते उनके साथ फिर अरेस्ट एंड डिस्क्वालिफिकेशन, यही होता है। तो ये हमने देखा पैटर्न, तो यहाँ तक ये मेंशन है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बात होती है कि जो अब ओपिनियन कि जो एक्शन लिया गया वो बहुत ज़्यादा है, और फिर एक्सप्लेन किया गया क्यों, हाउ कैन वी से कि जो गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है वो एक्सेसिव है, ज़रूरत से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा केसेस फाइल किए गए हैं, ठीक है, और उनके और उनकी फैमिली के अगेंस्ट और उनके पॉलिटिकल पार्टी के बाकी लीडर्स के अगेंस्ट भी, ठीक है। तो ये एक ये हम समझ सकते हैं। उसके अलावा और सीरियस केसेस भी जिसमें टेररिज्म, सेडिशन एंड ब्लास्फेमी, ये केसेस हैं, तो ये हमें पता चला कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। एंड कि ये और उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी कम नहीं हुई है, लेकिन ये क्या शो करता है कि मिलिट्री पाकिस्तान की उसकी पावर शो करता है, ना कि वहाँ की गवर्नमेंट की, कि मिलिट्री वहाँ के लोगों को कितना कंट्रोल या साइलेंस कर सकती है। और यहाँ पर लास्ट जो लाइन है, नन ऑफ दिस ऑगर्स वेल, इस टाइप की स्टेटमेंट्स जो हैं किसी पैसेज में दी जा सकती हैं और उसमें पूछा जा सकता है इसके बारे में कि ये क्यों कहा गया है कि नन ऑफ दिस ऑगर्स वेल फॉर डेमोक्रेसी। इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि यही कि जो ये इवेंट्स हुई हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और जो इससे पहले कुछ ईयर्स में डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें इलेक्टेड लीडर्स को हटा दिया जाता है पावर से और फिर उनके अगेंस्ट केसेस फाइल किया जाता है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और मिलिट्री जो है वो कंट्रोल करती है कि कौन लीडर बनेगा, और मिलिट्री जो है वो लोगों के प्रोटेस्ट को भी सप्रेस करती है। तो ये सब चीज़ें जो है ये इंडिकेट नहीं करती कि पाकिस्तान के डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है आने वाले टाइम में। तो ये अगर आपको लिखना हो, ठीक है, तो आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इस चीज़ को बेस्ट कन्वे कर रहा है, ठीक है। तो ये जो जहाँ पर पैसेज एंड होता है वहाँ पर आपको फोकस करना है कि यहाँ से ओपिनियन भी पता चल रहा है जो ऑथर का है कि उन्हें नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो आगे सही रास्ते पर जा रही है। सो ये इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे जिसमें स्टेप इन, ठीक है, फॉर्मेडेबल, इंटरिम, ये हम कवर कर चुके हैं काफ़ी पहले, ओके। ये मिस अप्रोप्रिएशन हमने नहीं किया था, ठीक है, टेन्योर हम पहले कर चुके, ऑर्केस्ट्रेट नहीं किया था, ठीक है। तो जो नए वर्ड्स हैं उन पे आपको फोकस करना है, पुराने वाले रिवाइज करने हैं, और ऐसे ही आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। ये लिटनी ऑफ समथिंग ये नया था, ओके। और ये रहा, तो जैसे ब्लास्फेमी है, सेडिशन है, तो ब्लास्फेमी की जगह आप प्रोफेनिटी या फिर सैक्रिलेज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।